आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि इस टाइप का जो कैरेक्टर का पैटर्न है वो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, इस टाइप का पिरामिड कैसे प्रिंट कराएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि लास्ट कैरेक्टर हमने जो कैरेक्टर प्रिंट किया एच, तो एच तक उसने प्रिंट कराया और उसने ए को एक बार प्रिंट कराया, बी को दो बार, सी को तीन बार, डी को चार बार, यानी कि जिस नंबर का कैरेक्टर है उसको उतने बार ही ये प्रिंट करा रहा है। तो इस टाइप का पैटर्न बनाना हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अब हम इसका सोर्स कोड देखते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, देन void main, ये हमारा मेन फंक्शन, यही से हमारे प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होगा। देन कैरेक्टर टाइप का हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, एक सी एच और एक आर और एक सी, तीन कैरेक्टर टाइप के हमने वेरिएबल बनाए। देन सी एल आर एस सी आर, ये क्या करेगा कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। देन प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, एंटर लास्ट पिरामिड कैरेक्टर, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर आपको कौन सा प्रिंट कराना है वो आप एंटर कराएं यहाँ पे। देन सी एच इक्वल टू गेट कैर, ये क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को सी एच में स्टोर करा देगा। देन इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एंड ऑपरेटर यहाँ पे हमने लगाया, और सी एच इज लेस देन इक्वल टू जेड, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सी एच इक्वल टू सी एच माइनस 32 करा देंगे हम। और देन आर इक्वल टू ए, कैरेक्टर टाइप का ए, मतलब ए हमने दिया कैरेक्टर, और देन आर इक्वल टू क्या करा दिया यहाँ पे हमने, आर इज लेस देन इक्वल टू सी एच करा दिया, देन आर को इंक्रीमेंट करा दिया। देन यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, सी एच इक्वल टू ए और सी एच लेस देन इक्वल टू आर, और देन सी प्लस प्लस, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे पहले हम परसेंट सी और आर, और देन यहाँ पे हम एक बार प्रिंट करा देंगे क्या, स्लैश एन, जो कि नेक्स्ट लाइन पे हमारे कर्सन को मूव करा देगा। देन गेट सी एच, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, और देन हमने मेन फंक्शन क्लोज किया। हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और देन हम इसको रन कराते हैं। जैसे कि मैंने एच दिया था तो एच पे देख सकते हैं जो आपने आउटपुट शुरू में देखा था, एच इट इज, वो आउटपुट आपको मिल गया। अब हम और कोई कैरेक्टर लेके देखते हैं, जैसे कि हम एम लेते हैं, तो ये देखिए एम तक उसने प्रिंट करा दिया। जैसे हम एक बार और कोई कैरेक्टर लेते हैं, पी तक लेते हैं, तो ये देखिए पी तक कर दिया उसने प्रिंट। जैसे हम जेड लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरा उसने जेड तक प्रिंट कराया। तो हम इस टाइप के पैटर्न्स को प्रिंट करा सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। और भी आप इस टाइप के कैरेक्टर पैटर्न को अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट कराना सीखें। थैंक यू।